लाल शबाज कैलेंडर 1177 ईस्वी ता 1274 ईस्वी, जिनका असल नाम सैयद उस्मान मरवंदी था, सिंध में मदफून एक मशहूर सूफी बुजुर्ग हैं। इनका मजार सिंध के इलाके सेवन शरीफ में है। वो एक मशहूर सूफी बुजुर्ग शायर, इलाहियात दान, फलसफी और कलंदर थे। इनका जमाने में बहुत से मारूफ औलिया कराम का मौजूद थे। मशहूर बुजुर्ग सदरुद्दीन रिजवी बाकरी, शेख बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी, शेख फरीदुद्दीन गंज शकर, शम्स तबरेजी, मखदूम अब्दुल रशीद हक्कानी, जलालुद्दीन रूमी, सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी, मखदूम सदरुद्दीन कतार, सदरुद्दीन आरिफ फरजंद बहाउद्दीन जिक्रिया, शेख बू अली कलंदर पानीपत जैसे औलिया अखबार इनके करीब हम असर थे। हिंदू और मुसलमानों में मजहबी रवादारी की तबलीग करने की बिना पर लाल शबाज कलंदर तमाम मजाहिब के पैरोकारों में यकसा मुतहर्रम तसव्वर किए जाते हैं। इनका खर्चा ताबदार याकूत रंग का हुआ करता था, इसलिए इन्हें लाल इनकी खुदा परस्ती और शराफत की बिना पर शबाज और कलंदराना मिजाज और अंदाज की बिना पर कलंदर कहा जाने लगा। बरेसगीर के तमाम मुमालिक भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में इंतहाई मशहूर सूफी गीत तमादम मस्त कलंदर में लाल शबाज कलंदर ही की तालीमात को पेश किया गया है। असलन ये गीत 13वीं सदी ईस्वी में लिखा गया था और इसके बाद इसे बहुत से मौसीकारों और गुलूकारों ने गाया और हर दर्द में ये इंतहाई मकबूल रहा। लाल शबाज कलंदर का सिलसिला शशर नसब 13 वास्तों से इमाम जाफर सादिक तक जा पहुंचता है। आपका शजर नसब कुछ यूं है: सैयद उस्मान मरवंदी बिन सैयद कबीर बिन सैयद शमसुद्दीन बिन सैयद नूर शाह बिन सैयद मोहम्मद शाह बिन अहमद शाह बिन सैयद हादी बिन सैयद मेहदी बिन सैयद मुत्तखिब बिन सैयद गालिब बिन सैयद मंसूर बिन सैयद इस्माइल बिन सैयद लाल शबाज बिन वतन मरवंदी था। मरवंद का शहर तबरेज से कुछ फासले पर है। इस शहर को मेवंद भी कहा जाता है। ये शहर बहुत कदीम है। ये शहर इस वक्त आज़रबाईजान का दारुल खिलाफा था। दरिया के किनारे खुशनुमा शादाब मंजर के सबब मशहूर था। अकूत ने लिखा है कि इस शहर को कर्दों ने तख्त तारज किया। कर्दों के हमले के बाद किला बर्बाद हो गया और शहर की हेबत व शान जाती रही। कर्द अहले मरवंद को अपना गुलाम बनाकर ले गए। मुद्दतों तक यहाँ खाक उड़ती रही। इंसानी आबादी से ये शहर मुद्दतों खाली रहा। मस्तूनी को देखने से मालूम होता है कि ये शहर नहर रोड पर वाकया था। इस नहर की काफ़ी वसत थी। 9 हाथ ज़मीन के अंदर बहती थी। मरवंद की खुशहाली और रौनक ख़त्म हो चुकी थी। ये शहर कुरमर के कपड़े की वजह से मशहूर था, जिनसे लाली का रंग तैयार होता था। तारीख में आता है कि इस शहर के नवा में बहुत सी बस्तियां आबाद थीं। उन हकायक से पता चलता है कि इनका असल वतन आज़रबाईजान है और शहर का सही नाम
मरवंद है। मरवंद से मरवंदी हो जाना कोई ताज्जुब की बात नहीं। आपका ख़ानदान यगाना रोज़गार था। आपके वालिद माजिद सैयद कबीर अपने वक्त के मशहूर आलिम थे। इनका तरीका इत्तबा सुन्नत नबवी था। शरई अहकाम से सर हुए एहनराफ ना करते थे। इनकी वालदा माजिदा बड़ी इबादत गुजार थी। शेख मरवंदी अपनी ख़ानदान के एतबार से ऊंची नस्बत रखते थे, इसलिए सालहत और सखा के बहुत से खसाइस इनके ख़ानदान में मुंतकिल किए गए थे। आपकी वालदा के मुतालिक मालूम है कि पर्दा शब की तारीख में बैठकर रोया करती थी। फरमाती थी, अल्लाह के खौफ से रोने वाला दोजख में ना जाएगा। इनकी ज़ात खसियत इलाही का सर चश्मा थी। रात का अक्सर हिस्सा इबादत में गुजारती थी। इस माँ की गोद का लाल जज्ब जलाल के जौहर बनकर जब सेवन पहुँचा तो सुल्तान शाह हाकिम सरन की ये साहबजादी अपने शोहर सैयद कबीर के जज्बा तसर्रुफ की तासीर से अपने वक्त की जाहिदा और आबिदा खातून कहलाईं। आपका चेहरा अनवर पर लाल रंग के कीमती पत्थर लाल की मानिंद सुर्ख किरणें फूटती थीं और सुर्ख कपड़े जेब तन करने की वजह से आपका लकब लाल हुआ। शबाज़ का लकब इमाम हुसैन ने इनकी वालदा को पैदाइश से पहले बतौर खुशखबरी के अता किया कि तुम्हें अपने नाना से अता हुआ था, इस वजह से शबाज़ लकब हुआ और इससे मुराद विलायत का आला मुकाम है। उस्मान बिन कबीर अलमारू शबाज़ कलंदर तालीमी इब्तदाई तौर पर हसब मामूल इस्लामी बुनियादी उसूलों के तहत थी। शबाज़ कलंदर ने महज 7 साल की उम्र में ही कुरान पाक हिफ्स कर लिया। कुरान मजीद हिफ्स करने के बाद आपने बहुत ही कलील अरसे में मौरजा अरबी और फारसी उलूम में भी मुकम्मल दस्तरस हासिल कर ली। बचपन में इब्तदाई मंजिलें बाप के साय में गुजारी। आपके वालिद मशायख़ तबरेज़ में बड़ा दर्जा रखते थे। इनकी निगरानी में आपकी नशोनुमा हुई और आप तालीम व तरबियत का अहतमाम हुआ। अहले इल्म बाप की वजह से हाफिज़ उस्मान को अहले अल्लाह की सोहबतें बचपन से मयसर आई थीं। इस तरह फैज़ो बरकात और इल्म दीन के गहरे नक्श इनके लूहे दिल पर सबत हुए। वक्त आया कि ईमान और यकीन की ऐसी दौलत हाथ आई कि फ़िक्र तहरीक का इन पर दरवाज़ा खुल गया। बचपन में ऐसी मजालिस में शरीक हुए थे जिनमें मौत और कयामत का मंजर याद किया जाता और कुरान की इन आयत की तिलावत की जाती। मोमिनो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के पीछे न चलो, वो तो तुम्हारा सरीह दुश्मन है। जिनका ताल्लुक हश्र जजा और सजा से है, लोगों का हाल अजीब होता, आंखों से आंसू बहते, नफ्स का मुसाहिबा करते और फिजा में अस्तगफार से गूंजती थीं। नेकी और रास्तबाजी बचपन में इनका शार बन गई। इल्म हासिल करना बहुत शौक़ था और तहकीक और तजस्सुस की तरफ तबीयत बहुत ज़्यादा रागिब थी। आप मरवंद मौजूदा अफगानिस्तान के एक दरवेश सैयद इब्राहिम कबीरुद्दीन के बेटे थे। इनके अजदाद ने इराक से मशहदुल मुकद्दस यानी ईरान हिजरत की, जहां की तालीम मशहूर थी। बादाज़ां मरवंद को हिजरत की। आपको इस दौर में गजनवी और गौरी सल्तनतों का मुशाहिदा करने का मौका मिला और आपने इस्लामी दुनिया के लातादाद सफ़र किए, जिसकी वजह से आपने फारसी अरबी तुर्की सिंधी संस्कृत में ऐसी महारत हासिल कर ली। आप रूहानियत के आला दर्जे पर फाइज थे और मुसलमानों के अलावा हिंदू भी बड़ी इज्जत थी। आपको इस दौर में गजनवी और गौरी सल्तनतों का मुशाहिदा करने को मिला। आपने इस्लामी दुनिया की लातादाद सफ़र किए, जिसकी वजह से आपने फारसी अरबी तुर्की सिंधी और संस्कृत में महारत हासिल की। आपने रूहानियत के आला दर्जे पर फाइज थे और मुसलमानों के अलावा हिंदुओं में भी बड़ी इज्जत थी। आप सुर्ख लिबास पहनते थे, जिसकी वजह से इन्हें लाल कहा जाता था। इसके अलावा इन्हें झूले लाल भी कहा जाता था। जब आप हालत कलंदराना थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ आपकी वालिहाना मोहब्बत का ये आलम था कि गरिया थमता ना था।
कभी इस मकाम पर खड़े हो जाया करते थे जिसे बाब अब्दुल मजीद कहते हैं, कभी बाब जिब्राइल के पास आ जाते, कभी बाबुल सलाम पर खड़े होते, रोज़े अजहर को देखते और होश रहता। अजीब ज़ौक है और अजीब सोज है, कलंदर सदको दिल इखलाक का पेकर और तालीम रजा की तस्वीर बना। मौजा शरीफ के इस वक्त सामने ये हज से फारिग हुए तो बगदाद का सफ़र इख्तियार किया, यहाँ बड़े बड़े आलिम और फाजिल मौजूद थे जिनसे इन्हें इस्तेफादे का मौका मिला। सैयद हसन का मज़ार 7 में इनके मकबरे के बाहर मस्जिद के मगरब में है बगदाद में। आप इनसे ख़ास शफकत फरमाते थे। गयासुद्दीन बलबन का बेटा खान शहीद सुल्तान मोहम्मद आपका बेहद अकीदतमंद था। खान शहीद की बड़ी आरजू थी कि आप मुल्तान में क़याम फरमाएं और इसके लिए इसने एक खानका भी बनवाना शुरू फरमाया। फिर भी आप कभी कभी खान शहीद के पास जाते और शेख सदरुद्दीन आरिफ की मजालिस समा में शरीक होते थे। आप सैर व सियाह करते हुए बू अली कलंदर की खिदमत में पहुँचे। इन्होंने आपसे फरमाया कि हिंद में 300 कलंदर मौजूद हैं, बेहतर ये है कि आप सिंध तशरीफ़ ले जाएं। इनके मशवरे के मुताबिक आपने सिंध में पहुंचकर सेविस्तान में क़याम फरमाया। इत्तेफाकन सेविस्तान में आकर आप जिस मोहल्ले में मुकीम हुए किसी औरतों का था। इस आरिफ बाला के कदूम मेमंत लजूम का पहला असर ये था कि वहाँ जनाकारी और फाशी का बाजार सर्द पड़ गया। नेकी और परहेजगारी की तरफ कुलूब माइल हुए और जानिया औरतों ने आपके दस्ते हक पर तौबा की। मखदूम शबाज कलंदर ने सेविस्तान में रहकर बिगड़े हुए लोगों को सीधे रास्ते पर लगाया, इनके इखलाक को संवारा, इंसानों के दिलों में नेकी और सच्चाई की लगन पैदा की और दूसरों के साथ मोहब्बत और प्यार से रहना सिखाया। आप तकरीबन 6 साल तक सेविस्तान में रहकर इस्लाम का नूर सिंध में फैलाते रहे। हजारों लोगों ने आपके दिल से हिदायत पाई और बहुत भटके हुए लोगों का रास्ता अल्लाह से जोड़ा। आपका विसाल 21 शबानुल मुअज्जम 673 हिजरी में हुआ, लेकिन इनके विसाल को लेकर इख्तिलाफ पाया जाता है। मुख्तलिफ कुतुब में मुख्तलिफ तारीख विसाल दर्ज हैं, किसी में 590 हिजरी तो फिर किसी में 669 हिजरी और किसी में 670 हिजरी लिखा है, मगर फाजिल मौलिफ ने अपनी तंसीफ में शबाज कलंदर के सफ़ा 41 पर तारीख विसाल के हवाले से ये साबित किया है कि उस्मान मरवंदी का सन विसाल 673 हिजरी है। इस सिलसिले में फाजिल मौलिफ ने एक शेर बतौर सबूत पेश किया है जो रोज़ा कलंदर पाक की दीवार पर लिखा है। इनका मज़ार सिंध के शहर सेवन शरीफ में है। ये सिंधी तामीर का आला नमूना है और 1356 ईस्वी में तामीर हुआ। इसका अंदरूनी हिस्सा 100 मुरबा गज़ के करीब है। इनका सालाना उर्स इस्लामी तकवीम के मुताबिक 18 शबानुल मुअज्जम को होता है। फिरोज शाह की हुकूमत के ज़माने में मुल्क रकनुद्दीन उर्फ इख्तियारुद्दीन वाली सेविस्तान ने आपका रोज़ा तामीर करवाया। इसके बाद 993 हिजरी में तुरखानी ख़ानदान के आखिरी बादशाह मिर्ज़ा जानी बेग तुरखानी ने आपके रोज़े की तौसी और तरमीम करवाई। इसके बाद 1009 हिजरी में मिर्ज़ा खानी बेग तुरखान के बेटे मिर्ज़ा खान बेग तुरखान ने अपनी सूबेदारी के ज़माने में इसमें दोबारा तरमीम करवाई।